नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा आज मैं कोई ब्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ। आज मेरे बर्थडे में जो मुझे क्या क्या मिला है, किसने मुझे क्या क्या दिया है, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। क्योंकि आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि दी हमें बताइए कि किसने क्या दिया, जीजू ने क्या दिया। तो मैंने कहा चलो आज मैं लेकर बैठती हूँ, सारा कुछ आपको बताती हूँ। क्योंकि आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो, और जब भी मैं कुछ पहनती हूँ या कुछ भी वेयर करती हूँ तो आप लोगों को कमेंट आते हैं कि दीदी ये कहाँ से लिया। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो मैं उन सभी जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार, इतना आशीर्वाद दिया मेरे बर्थडे वाले दिन, भर भर के मुझे प्यार दिया, उनका मैं तहे दिल से नमन करती हूँ आप सभी का। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए मुझे। तो बस, और मैंने सोचा आज मैं कुछ थोड़े बहुत पहले मैं कमेंट पढ़ देती हूँ। अनिंता दास जी का है, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मतलब मैसेज करे थे। नमस्ते गौरी जी, आपके ब्लॉग मुझे बहुत अच्छी लगी। घर के सभी वरिष्ठ जनों, उनकी हिंदी इतनी अच्छी है, वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम। और ये ना हमेशा, ये कहाँ रहती हैं मैं आपको बताऊँ, ये रहती हैं कनाडा में शायद, वहाँ से हमेशा मैसेज करती हैं। तो बहुत सारे मुझे कमेंट आई। मैंने दूसरी गौरी की लाइफ स्टाइल वाली खोल रखी है, मैं वो खोलती हूँ दूसरी वाली। इतना ज़्यादा मतलब आप लोगों ने मुझे विश किया, इतना ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। हैप्पी बर्थडे, कौन है, मनीषा जी हैं, और वंशिका गुप्ता जी, वीरेंद्र कुमार जी, जो कि मतलब उनकी वाइफ कर रही होंगी, वेरी नाइस ब्लॉग। तो ये सारे आपके कमेंट, तो चलो कमेंट का तो मैं बाद में रिप्लाई, सॉरी कमेंट मैं आपके बाद में रिप्लाई करूँगी। पहले जिसके लिए मैं आई हूँ ब्लॉग में और जिसके लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ, पहले वो चीज़ें मैं शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो गिफ्ट है मैं वो दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सूट मतलब ऑनलाइन मंगवाया था, जो कि मेरी मर्जी नहीं थी। और मैं हमेशा, मैं आपको बताऊँ, उससे 2 साल पहले, जाने पिछली साल से पिछली साल पहले उन्होंने मुझे ये डायमंड की रिंग मतलब गिफ्ट करी थी। ऐसा नहीं कि हर साल मुझे डायमंड की रिंग आएगी या हर साल मैं लूँगी। देखो, अपना बजट देख के ही मैं सब कुछ करती हूँ, और वो और हम कोई अलग नहीं है। मुझे ऐसा नहीं कि मेरी एनिवर्सरी आए या मेरा बर्थडे आए तो मुझे कुछ लेना ही लेना है। हर चीज़ को अपना देखती हूँ, बैलेंस फिर उसके बाद लेती हूँ। तो मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी, मैंने इनसे मना किया था कि अभी रहने दो, फिर भी ये नहीं माने इन्होंने अपने मन से। मतलब मुझे पहले दिखा दिया था, फिर इन्होंने ये ऑर्डर किया था, जो कि ये सूट ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं। मतलब ऐसे दूर से देखने में अच्छा लग रहा है, पर कपड़ा क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो ये पर इसका दुपट्टा और जो पैजामी है वो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो ये दोनों चीज़ें मंगाई थी, कुछ 686 रुपये की ये पड़ी है। अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, हाँ ठीक ठाक है, ओके ओके वाला है, कुछ ज़्यादा खास भी नहीं। और एक मैं दिखाती हूँ, इसमें मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया, जो कि उसने मुझे साड़ी गिफ्ट करी, और अभी उसने खुद की एक शॉप डाली है, टीना दी ने। तो आप उसको चाहिए व्हाट्सअप पे, सॉरी व्हाट्सअप कह रही हूँ, इंस्टाग्राम पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ब्यास टीना करके उसकी आईडी है। ये रही, उसने मुझे साड़ी गिफ्ट करी, बड़ी सुंदर साड़ी है। और पता है, मैं उसकी शॉप पे गई थी ना, तो मैं ये पसंद भी कर रही थी खुद को, लेकिन फिर मैंने नहीं ली, तो देख सकते हैं। और उसकी ऐसा रहता है कि जब भी वो कोई चीज़ देती है ना, जैसे साड़ी दे या कभी भी फंक्शन होता है, एक मिनट दरवाज़ा लगा दूँ, बाहर की आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको बताऊँ, इधर एमपी का कुछ ऐसा इतना अच्छा रिवाज है कि ऐसे खाली साड़ी कभी नहीं देते सुहागन को। तो देख सकते हैं, ये उसने मुझे साड़ी दी, और साथ में इसमें ये बिंदी का पत्ता रुपए, और एक चूड़ी दी यहाँ पर। मतलब ये चूड़ा तो जरूरी रखते हैं, तो देख सकते हैं कितना सुंदर चूड़ा है। आय हाय, कितना दिखा दें। यहाँ पर उनके इधर साइड में, कि जैसे हमारे यूपी में काज पहना जाता है, और इधर क्या लाख पहना जाता है, लाख सुहाग में, तो इसी की मैचिंग की उसने मतलब वो मुझे देती रहती। कोई भी त्यौहार आता है ना, तो वो हमेशा लाख की चूड़ियाँ, कंगन मुझे देती रहती, मेरे ख़त्म नहीं हो पाते तब तक वो दे देती। तो देख सकते हैं, ये भी मैचिंग का, और ये मेहंदी, तो देख सकते हैं ये उसने दी थी साड़ी। दिखाऊं मैं खोल के आपको, मैंने खुद नहीं खोली ये साड़ी, ये उसकी दुकान की है साड़ी।
तो वो ना इंस्टाग्राम पे डालती रहती है फोटो, काफी अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं, तो देख सकते हैं। पल्लू इसका कैसा है मैंने देखा ही नहीं, कुछ इस तरीके का ही है। अभी ये वाला कलर ना बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, पता है ये वाले कलर की साड़ियां, पर्पल कलर, पर्पल कलर, वाओ। इसको इधर रख देती हूँ मैं। ये चूड़ी देख सकते हैं कितनी ज्यादा सुंदर है, और ये मेहंदी साथ में इतना रख के देते ही देते हैं, ऐसे कोरी साड़ी नहीं देते हैं। और ये वाली मुझे मम्मी जी ने दिलाई थी, ये देख सकते हैं इसके कैसे चू चू क्यों बोल रहा है बैठ। तो ये वाली मम्मी जी ने दिलाई थी मुझे, तो देख सकते हैं इस पे मैंने पीको फाल कर, आज नहीं दिलाई थी ये, मैंने पिछले महीने ले ली थी मेरे बर्थडे की उनसे, अभी ब्लाउज इसका सिलने के लिए आया है। तो देख सकते हैं ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है, ये भी इसी की दुकान की है। हम लोग ना आप कहीं से लेते ही नहीं है, अब हम यहीं से ले लेते हैं। तो आप ना इंस्टाग्राम पर उसको ना फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो मैं पहले उससे पूछ लूंगी और उसका जो व्हाट्सअप नंबर होगा वो दे दूंगी। व्हाट्सअप पे वो डेली फोटो शेयर करेगी और आप मंगवा सकते हैं, ज्यादा महंगी नहीं होती हैं साड़ियाँ। ये जो साड़ी है मैं इसका प्राइस बता देती हूँ, कुछ 550 की साड़ी है ये, देख सकते हैं। अब आप ये मत सोचना कि आपकी सासू माँ ने इतनी सस्ती साड़ी दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसी शॉप पर बैठी थी, गई थी मैं और मम्मी जी, फिर मैंने कहा मम्मी जी चलो मेरा बर्थडे आ रहा है कुछ दिला दो, ऐसा मत सोचना कि 550 रुपए की सासू माँ ने साड़ी दी। तो देख सकते हैं, मैं वैसे पैसे बताती नहीं हूँ कभी, पर उसके मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको लेना हो, क्योंकि हर टाइम घर में पहनने के लिए हम 1000 2000 की नहीं लेते हैं, तो अगर आपको लेना है तो मैं व्हाट्सअप नंबर उससे पूछ लूंगी फिर दे दूंगी, और वहां पर आपको वो फोटो दिखाएगी, भले वीडियो कॉल पे भी दिखा देगी। और अगर आप लेते हैं तो वो आपको मतलब क्या कैसे करके भेजते हैं कुछ ऑनलाइन, वो आपको भेज देगी। तो बस एक ये वाली साड़ी होगी। अब की बर्थडे में मुझे ना कपड़े ही कपड़े मिल गए ज्यादा। और मैं आपको बताऊं, ये भी मैं बता सकती हूँ कि ये मुझे किसी ने दी पर किसी ने नहीं दी, ये दो साड़ी मैंने खुद को गिफ्ट करी हैं उसी मतलब पता है खुद को भी करना चाहिए, लेना चाहिए खुद के लिए। हम क्या करते हैं, हम लेडीज लोग हम कभी भी खुद के लिए कुछ खरीदते ही नहीं है, तो ये मैंने खुद के लिए ले ली। ये भी मुझे एक नजर में पसंद आ गई थी, तो देख सकते हैं इसका प्राइस कितना है, याद नहीं आ रहा। ये भी शायद 600 650 की है, चार साड़ियों का 1500 कुछ बिल बना था। दो साड़ियां मैंने अपनी मेरी जो है चित्रा की जो भाभी रूबी उसके लिए दो साड़ियां ली हैं मैंने, तो कुछ हमारे ये चार साड़ियों का कुछ 1500 बिल बना है, पता नहीं ये 550 600 की है कुछ, तो देख सकते हैं। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और मुझे बहुत सुंदर लगी ये साड़ी इसका, देखिए ये देखिए पल्लू बहुत अच्छा लगा मुझे ये प्रिंटेड साड़ी, तो ये मैंने खुद को गिफ्ट कर दी खुद से लेके। और ज्यादा मैं लेती नहीं हूँ, पर मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, मेरी फ्रेंड की शॉप खुली है, और एक साड़ी ये ले ली मैंने, और ये तो 300 रुपए की। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे हस्बैंड बहुत चिढ़ते हैं पैसे बताने पर, आप लोगों को फिर पता कैसे चलेगा कि फिर आप लोग कमेंट में पूछोगे, मैं रिप्लाई जल्दी दे नहीं पाती हूँ तो फिर आप लोग गुस्सा हो जाओगे, इसलिए बताना पड़ रहा है मुझे। तो ये कुछ है 300 रुपए की, और मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि अगर आप लेना चाहें तो उसको मैसेज कर दीजिए, या पहले तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए उसको फॉलो कर लीजिए ब्यास टीना से, और नहीं तो मैं उससे पूछ के नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन। तो देख सकते हैं ये वाली 300 रुपए, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगी। तो ये रही मेरी कुछ साड़ियाँ, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग ये सारे मेरे। तो फ्रेंड्स कौन सी साड़ी आप लोगों को ज्यादा पसंद आई तो ये मुझे जरूर बताना आप लोग। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।